तो गाइस अभी हम आए हुए हैं अपने पप्पो के घर और अभी मेरे पास कौन है, मेरे पास बैठा हुआ है शिराज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सुहेल रजी व्लॉग। सो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज जो है बहुत दुख की बात है कि मेरा रिश्तेदार है वो जो है फोत हो चुके हैं। तो आज मैं उनके दुख में शामिल होने जा रहा हूँ, उनसे पूछने जा रहा हूँ, ताज़ियत के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जाना चाहिए यार। देखो ना, एक बंदा अगर फोत हो रहा है ना, तो हमारे मुसलमान के अंदर ये रिवायत है कि हमें जो है दूसरे मुसलमान से पूछना चाहिए कि भाई क्या मतलब ताज़ियत होती है ना, वो करनी चाहिए। तो आज मैं उसी के लिए जा रहा हूँ रिश्तेदारों के घर और उनसे कुछ मुलाकात वगैरह करूँगा और उनके बारे में पूछूँगा। और मतलब फैमिली के साथ जा रहा हूँ ना, तो अक्सर ऐसे मौक़ों पर जाना चाहिए। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि दूसरे मुसलमान को वो जाके ताज़ियत करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अभी में हम लोग तैयार हुए हैं, अम्मी वाले भी तैयार हो रहे हैं और अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में रिश्तेदारों के घर। तो वहाँ से होके फिर जो है जो भी मामलात हैं, जो भी बात बात करनी होगी उनसे बात करेंगे। तो चलते हैं अपने, आज का हमारा ब्लॉग ये है कि आज हम उनके दुख में शामिल हो रहे हैं, तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो अभी मैं जो है इन रिश्तेदारों के घर पे पहुंच चुका हूं दुआ वगैरह के लिए। तो अभी मैं उनके रूम में बैठा हूं और आप देख सकते हो मैं इनके रूम में बैठा हूं, अभी वेट कर रहा हूं क्योंकि वो आ जाए, इनका एक भी बंदा आ जाए उनसे मैं थोड़ी बहुत ताज़ियत करके और उसके बाद दुआ हुआ करके फिर मुझे निकलना है, क्योंकि अम्मी वाले दूसरे रिश्तेदारों के घर पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ से मैं दुआ वगैरह करके ना, तो इनके कुछ भाई हैं उनके घर भी जाके मुझे ताज़ियत की जो है दुआ वगैरह करनी है, कुछ शाबाश बेटा, कुछ कुल वगैरह पढ़ने होते हैं तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी वो आ जाए बंदा तो उससे थोड़ी ताज़त वाजत करते हैं और फिर निकलते हैं दूसरे रिश्तेदार के घर पे। A few moments later, रिश्तेदार आ चुके हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई वो जो फोत हो गए हैं वो कौन थे? मेरे साला। साले थे आपके? तो भाई वो इनके साले थे और हम इनसे जो है आज ताज़त करेंगे और दुआ भी करेंगे। तो ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो अभी दुआ फिर कर लें जी। तो भाई अल्लाह पाक उनको जन्नत की नसीब अता फरमाए। और भाई देखो दुनिया में किसी को नहीं रहना भाई, सबको जाना है। और जैसे मेरा अबू भी फोत हो गए तो लाजमी बात है हर मुसलमान को जो ये दुनिया छोड़नी है और अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि यार हर मुसलमान को जाना है, ये जो दुनिया है इसमें पानी दुनिया है और सबको छोड़ना होता है एक ना एक दिन, दुनिया सबको छोड़नी है, आपको भी मुझे भी पूरी दुनिया ही एक दिन सारे लोगों को ये दुनिया छोड़नी है। तो सिर्फ रहेगा अल्लाह का नाम, सिर्फ अल्लाह का नाम ही रहेगा और बस हमारी जो है हम ख्वाहिशें घूमना फिरना ये सब यहीं पे रह जाएगा, कोई ले नहीं जाएगा यहाँ से। बंदा जाएगा तो सिर्फ जो है ना कफन लेके जाएगा और खाली हाथ जाएगा। कई बड़े बादशाह जो होते हैं, बादशाह गुजर चुके हैं, बड़े जो है अमीर लोग सब गुजर चुके हैं, लेकिन सब कुछ लेके यहीं पे सब कुछ रह जाता है और इंसान सिर्फ अपने साथ अपनी नेकियां और अहमाल लेके जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी यार मुसलमान होने के नाते जो है सबको ये ताज़ियत करनी चाहिए और एक दूसरे के घर जाना चाहिए और ताज़ियत करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो ये लोग भी आए थे हमारे घर पे जब मेरे वाले साहब फोत हो गए थे, तो उन्होंने भी ताज़ियत की थी, तो हम भी इनके घर पे आए हुए हैं ताज़ियत करने। और इनका एक भाई भी है, मुझे वहाँ भी जाना है, उनके साथ भी दुआ करनी है और ताज़ियत करनी है उनके साथ भी। तो बस भाई यही होता है, यही रह जाता है इंसान के अंदर, बस वो मोहब्बत जो है ना एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को दिखानी चाहिए और उसका जो है पूछना चाहिए। One hour later. Guys, अभी यार मैं जा रहा हूँ गली में और आज का दिन भाई इतना बिजी हो गया है कि भाई अब रिश्तेदारों के घर लेके जाना पड़ रहा है अलग अलग जगहों पे। अभी आप देख सकते हो गली में, तो भाई अभी गली में जो है जा रहे हैं और रिश्तेदारों के घर जाना है पहले और उसके बाद जो है फिर अपने काम वाम निपटाने और भी जो है वीडियो वगैरह बनाने। तो भैया आज का दिन है सारे काम निपटाना है और रिश्तेदारों के घर लेके जाना है अम्मी वालों को। तो आप देख सकते हो मैं अभी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ।
A few moments later. तो गाइस अभी हम आए हुए अपने फूफो के घर और अभी मेरे पास कौन है, मेरे पास बैठा हुआ है शिराज। और क्या हुआ, क्या हुआ भाई? तो भाई शिराज हमारे साथ बैठा हुआ है और जिस तरह की मैंने आपको सुबह अपने थंबनेल में देखा होगा कि अभी रो रहा है। 2000 years later. फाइनली जो है मैं घर पे वापस आ चुका हूँ और जितनी भी बातें थी उनके साथ गम बांटा और उनके साथ बातें वगैरह की और ताज़ियत वगैरह जो है मालूम करना लाजमी होता है और जाना भी लाजमी होता है, क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ें होती है ना कि इनमें लाजमी जाना पड़ता है। और इसमें पता चलता है कि यार देखो अपना रिश्तेदार या अपना कोई जो है आया है हमारे पास। तो वीडियो यहाँ पे करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।